हे एवरीवन, सुभांश की दुनिया में आप सबका स्वागत है। मैं ज्योति दीपेश खेवरिया, आप सभी बड़ों को सादर प्रणाम, छोटों को प्यार। और आप सभी के साथ आज हम अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। एक्चुअली आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हम लोग स्वाति को देखने जाने वाले हैं। जब मैं मेरठ में थी तभी मुझे पता चला था कि उसकी सर्जरी होने वाली है, उसको इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है। तो हम लोग आज उसे देखने जाने वाले हैं। कल उसकी सर्जरी हुई है, वो बहुत अभी ठीक है, बट अभी धीरे धीरे टाइम लगेगा उसको रिकवर होने में। हॉस्पिटल में तो मैं आप लोगों को उसे मिलवा नहीं सकती, लेकिन जब वो घर आएगी तो 100% मैं आप लोगों को उससे मिलवाऊंगी। हम लोग जब उससे मिल के आएंगे तो मैं बताऊंगी कि उसको कितना रिकवर हुआ है, अभी कैसी है, ये सब मैं आपको इसके बाद ही बताऊँगी। गाइज, हम लोग हॉस्पिटल स्वाति से मिलने जा रहे हैं और यहाँ दीदी का बेटा भी आया हुआ है, दीदी भी हैं, भैया भी हैं। उसका नाम है, इशारे से कर रहा है, मौसी में ना दच्चू है, जबकि उसका नाम दच्चू निक नेम है, उसका नाम है अर्णव मिश्रा। ये देखो, हाय, कैसे हो? ठीक हूँ। और सबसे पूछ लो, आप सब कैसे हो? आप सब कैसे हो? और मेरे चैनल को कुछ तो करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। देखो, बच्चे ने बोला है तो आप लोगों को करना पड़ेगा। और ये दच्चू की बातें मैं आपको बाद में और भी बताऊंगी, ये बहुत इंटरेस्टिंग लड़का है। हे गाइस, हम लोग निकल चले हैं स्वाति को देखने अपोलो हॉस्पिटल। पीछे देखो, दीदी हैं ग्रीन सूट में, वो छुप गई हैं। देखो, छुप गई हैं। कहाँ छुप गई हैं? ये देखो, छुप रही हैं ये दीदी। और ये दच्चूला है, इसको प्यार से ना शुभ दच्चूला कहते हैं। उसके अच्छू भैया और मामू वहाँ पे हैं हॉस्पिटल में। हमारी जो कैब है वो आने वाली है, देखो पीछे की। और दीदी की गोद में एज यूजुअल युवांश है, क्योंकि युवांश कभी दीदी की गोद में, कभी विवेक भैया की गोद में, कभी स्वाति की गोद में, ऐसे ही रहता है। और ये देखो दच्चू, इसका नाम दच्चू है, हम लोग प्यार से दच्चूला कहते हैं। बट किसी को राइट नहीं है कि कोई और इसको दच्चूला कहे, सिर्फ हम ही लोग इसको दच्चूला कह सकते हैं, है ना? प्राइवेसी रखी है। हाँ। और ये देखो दीदी मंद मंद मुस्कुराते हुए मास्क के अंदर। दीदी का चेहरा देखने के लिए मैं स्पेशल एक ब्लॉग बनाऊंगी जिसमें दीदी का पूरा चेहरा दिखाया जाएगा, दीदी की एक्टिविटीज दिखाई जाएंगी और दीदी की कुकिंग दिखाई जाएगी। सब कुछ मैं आप लोगों को स्वाति के घर आने पे दिखाऊंगी, अभी कुछ नहीं। अभी तो आप हमारे दच्चू की एक्टिविटी देखो, दच्चू डांस भी बहुत अच्छा करता है ना? और ये देखो, ये अभी दच्चू भैया का नाम लेने लगे हैं, दच्चू दच्चू करके। और ये देखो, ये जस्ट मैं केक बनाऊंगा। ये देखो, हाँ बताओ। जब स्वाति होती आएंगी तब मैं केक बनाऊंगा। ये केक बनाएगा स्वाति के लिए। सब लोग स्वाति से बहुत प्यार करते हैं और हम चाहते हैं आप सभी लोग जो भी हमारा व्लॉग देखते हैं स्वाति के लिए प्लीज़ प्रे कीजिए कि वो जल्दी से रिकवर करे, जल्दी से ठीक होके घर पे आए। वो बहुत कम एज में वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर चुकी है, भगवान करे अब उसको कभी कोई और प्रॉब्लम ना हो। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उसके लिए प्रे कीजिए कि आगे उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। बस ये उसकी प्रॉब्लम का एंड है, ये सर्जरी ये लास्ट है, आगे से उसको कोई हेल्थ इशू ना हो, वो जल्द से जल्द ठीक होके अपने घर आए। हे गाइस, हम लोग अपोलो हॉस्पिटल आ चुके हैं, अब मैं पीछे देख सकते हैं। हम लोग अपोलो हॉस्पिटल आ चुके हैं स्वाति को देखने के लिए। अभी अच्छू नीचे आने वाला है, फिर हम ऊपर जाएंगे उसको देखने। हे एवरीवन, हम लोग स्वाति को देख के आ चुके हैं। अभी वो ठीक है, स्टेबल है उसकी कंडीशन और थोड़ा सा बेटर फील कर रही है। उसका भी शोल्डर पेन है, बैक पेन है, तो 4 घंटे की सर्जरी हुई है, थोड़ा तो रहेगा अभी, धीरे धीरे वो जल्दी रिकवर कर लेगी। बहुत बोल्ड है, बहुत ब्रेव है, इतनी लंबी सर्जरी झेलने के लिए बहुत अच्छी है स्वाति। सो हम लोग आ चुके हैं, देख लिया है, शुभ हो गया था, दूध पिया और सो गया। अभी भी देखो सोया हुआ है, थोड़ी बहुत शुभ ने मस्ती की, खेला बट सब स्वाति को देख के इमोशनल हो गए, मैं भी, दीदी भी, दीपेश भी, अच्छू दच्चू भी। अच्छू खैर बहुत बोल्ड है, बहुत ब्रेव लड़का है, बट फिर भी वो भी थोड़ा इमोशनल हो गया। इमोशनल भैया हो गए, आलोक भैया, विवेक भैया, बहुत सब इमोशनल हो जाते हैं। स्वाति है ही अच्छी, तो इसलिए सब लोग इमोशनल हो ही जाते हैं। गाइज, अब
ये व्लॉग जो है स्वाति के लिए ही डेडिकेट था कम्प्लीटली, कि हम उसको देखने गए हैं, फिर देख के आए हैं, उसकी कंडीशन पता चली। बहुत छोटा सा व्लॉग है, ज़्यादा बड़ा व्लॉग नहीं है, क्योंकि अभी हम उस कंडीशन में नहीं कि हम और व्लॉग की शूट की जाए। तो इसीलिए गाइज, आप सभी बड़ों के आशीर्वाद से, छोटों के प्यार से और आप सभी के साथ से मैं अपना व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। प्लीज़ हमारी वीडियोज़ को लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, बाय बाय।